जी डियर स्टूडेंट्स, तो बात अपनी हम कर रहे थे कि इंडेक्स नंबर फिक्स बेस ईयर सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट फिक्स बेस ईयर इंडेक्स नंबर टेकिंग 2008 एज द बेस ईयर। अब ये जो फिक्स बेस ईयर इंडेक्स नंबर होता है, इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ईयर्स का डाटा आपके पास गिवन होता है और आपने क्या करना होता है, आपको एग्जाम में अमूमन बताया जाता है कि भाई आपने तमाम ईयर्स का डाटा इस मखसूस एक ईयर के डाटा से कंपेयर करना है कि जितना भी डाटा अवेलेबल होता है वो किसी ना किसी एक ईयर के डाटा से ही कंपैरिजन होता है। मिसाल के तौर पर इसमें अभी आप देखिएगा, पहला कॉलम है हमारे पास ईयर्स का, दूसरा कॉलम हमारे पास प्राइस पहला कॉलम है एयर्स का, दूसरा है प्राइस इन रुपीस। एयर्स हमारे पास कौन से हैं, 2008, 2009, 2010, 11, 120, 130, 140, 150, 60। देखें जी, ये डाटा जब ये सवाल सॉल्व करने के लिए आता है, जिस तरह से आपके सामने स्क्रीन पर है इस तरह ये आता है। अब उसमें सवाल क्या गया, कैलकुलेट फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट फिक्स बेस ईयर इंडेक्स नंबर टेकिंग 2008 एज द बेस ईयर। अब इसमें हमें कहा गया है बाकायदा कि भाई 2008 को आपने बेस ईयर लेना है। अगर हमें ना बताया जाता कि हमें किस ईयर को बेस ईयर लेना है, तब भी हमने 2008 को ही लेना था। देखें, दो कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं। एक, आपको ईयर मेंशन करेगा कि भाई कौन से ईयर आपने बेस ईयर लेना है, तो वो तो बात बहुत सिंपल हो जाएगी कि जो ईयर वो मेंशन करेगा वो ईयर आप एज द बेस ईयर ले लेंगे। लेकिन अगर आपको वो मेंशन नहीं करता, अगर वो आपको मेंशन नहीं करता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लेंगे वही ईयर एज द बेस ईयर जो कि सबसे पुराना होगा। दो कंडीशन। अब कभी ऐसा हो सकता है कि 2007 भी गिवन होता, लेकिन क्योंकि उसने 2008 में बोल दिया 2008, तो हम उसी को 2008 को ही लेते। अगर उसने जब वो कह दे खुद के भाई फला ईयर आप लें, तो अगर उससे पुराना ईयर भी हो तब भी हमने वो ईयर पुराना नहीं लेना होता। ठीक है जी, बात पहुंच रही है। अच्छा, तो अब देखें हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं जी। फॉर्मूला इसका होता है फॉर्मूला पी ओ एन, एन से एन से पहले कॉमा, ओ से पहले कॉमा। अब ये ओ और एन जो है ना, ये थोड़े छोटे आते हैं, ठीक है जी, इसको थोड़ा छोटा लिखना होता है। कोशिश करते हैं इसको छोटा करने की अपने तौर पर। ठीक है जी, जो हम कसर हमने कर लिया, इक्वल्स टू पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, पी एन पी ओ मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, ये इक्वल का निशान की वजह से हो रहा है, तो हम इक्वल का निशान ऐसे खत्म कर देते हैं, इक्वल का निशान यहाँ लगा देते हैं। पी ओ कॉमा एन इक्वल टू पी एन पी ओ डिवाइड बाय, सही किसी को मैसेज आ रहा है? सर नहीं एंटर हो पा रहा, मैं मेरी क्लास रह गई आज की। फिर बेटा आप मैनेजमेंट से बात करें, प्लस ये है कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, आप घबराएं मत, ठीक है? अच्छा ठीक है जी, अब देखें ये इसका फॉर्मूला है, पी ओ एन इक्वल्स टू पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाइड बाय 100।
where comma pn equals to price of new year, PO equals to price of old या फिर बेस ईयर, ठीक है जी। तो ये ओके, अब देखें जी फॉर 2008, अब हम हमने फॉर्मूला लिखने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन हमने लिख ली, अब हम बकायदा फॉर्मूले को सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले हम करेंगे फॉर 2008, अब देखें सबसे पहले P आएगा, P फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर, अब O फॉर ओल्ड ईयर, इसमें ओल्ड ईयर क्योंकि सेम ओल्ड ईयर है हमारे पास 2008, करंट ईयर है हमारे पास 2008 इक्वल्स टू, ठीक है जी। अब O फॉर ओल्ड ईयर, N फॉर न्यू ईयर, क्योंकि इसमें दोनों क्योंकि सारे जितने भी ईयर्स का हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, हमें बेस ईयर क्योंकि यही रखना है तो हमने यही रखा। तो फॉर 2008, फॉर 2008 फॉर के बाद जो भी ईयर आपको लिखा हुआ नजर आएगा दैट विल बी द करंट ईयर। अब करंट ईयर है उसकी प्राइस है 120, बेस ईयर जो है हमारे पास वो भी 120 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 100% 120 डिवाइडेड बाय 120 200. Definitely answer will be 100 and this will be in the form of percentage. ठीक है जी, तो ये हो गया for 2008. अब हम क्या करेंगे for 2009 करेंगे P 2008 comma 2009 equals to छोटा करके लिखते हैं, आई होप कि अब तक आप समझ गए होंगे, equals to equal बड़ा लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए for 2009, अब 9 की प्राइस क्या है, 9 की प्राइस ये रही 130, तो हम ये देखेंगे 130 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखें फॉर 2008 में भी यही था और फॉर 2009 में भी यही है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 130 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, द आंसर इज 108.33%, ठीक है जी। Yeah, I hope you got it. इसी तरह हम करेंगे for 2009 के बाद अब 2010 की बारी है ना, तो देखें 2010, अब ये इसमें न्यू ईयर चेंज हो जाएगा तो इसमें 2010 आएगा। देखें 2010 में जो प्राइस थी वो 140 थी, ठीक है। अब इसमें भी आ जाएगी 140 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखें बेस ईयर हमने 120 यानी कि 2008 का ही हम बेस ईयर दे रहे हैं, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इसीलिए इसको फिक्स बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। तो आ गया 116.667%, ये जवाब है फॉर 2008। साथ साथ कॉपी भी कीजिएगा नाउ फॉर 2000 नेक्स्ट वीक, हर हाल में हमारा सेक्शन ये शुरू होगा,
और 2011। समझ में आ गया तो आप मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इस सवाल को तो हमें कंप्लीट करना ही करना है वैसे। अच्छा, 2011 की प्राइस देखते हैं ऊपर क्या थी, 150। ठीक है जी, तो अब यहाँ आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे, 150 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, द आंसर इज 125%। ठीक है जी, अब हम करेंगे फॉर 2011 के बाद करेंगे 12 के लिए। यू कैन राइट इन चैट, अगर कुछ बच्चों ने कुछ चैट लिखा है पढ़ लेते हैं। यस सर, क्लियर है, यस, ओके ओके। नहीं जवाब, फिक्स बेस ईयर मेथड है ना बेटा, इसमें फिक्स बेस ईयर में फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स हो गया ना, ईयर फिक्स हो गया। और 2011 के बाद 2012 करेंगे, है जी, तो 120 इंटू 100 सॉल्व करते हैं, 120 इंटू 100, और इसके बाद हम लिखेंगे साथ में परसेंटेज। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट। होप यू हैव गॉट इट, आई होप कि समझ में आपके आ गया। ठीक है जी, अब हम इसी के साथ साथ हम इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे चेन बेस मेथड से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम फिक्स बेस ईयर मेथड कर रहे थे, अब हम एक सवाल करेंगे चेन बेस मेथड से। ठीक है, ओके, हेडिंग डालते हैं। चेन बेस मेथड, चेन बेस मेथड, चेन बेस मेथड, और इसमें बड़ा फर्क होता है। चेन बेस मेथड में लास्ट ईयर को बेस ईयर लिया जाता है। चेन बेस मेथड में टेक लास्ट ईयर एज द बेस ईयर, 2020 भी अब लास्ट ईयर होने वाला है बहुत जल्द, आप जानते हैं, पता नहीं चल रहा आपको, ये साल तो इतनी जल्दी से गुजरा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया मुझे ना कि वक्त कहाँ चला गया है। नहीं, होप आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। खैर, शुरू करते हैं। तो चेन बेस मेथड जो सबसे पहला साल गिवन होता है उसके लिए नहीं होता। ठीक है जी, इफ यू टॉक अबाउट, अगर मैं यहीं से उठाऊं उसको, फॉर 2008 इसकी हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ईमान बेटा आपका कैमरा खुल रहा है बार बार, देखें इसको, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लास्ट ईयर इज नॉट गिवन। देखें कितना सिंपल था कि अगर कोई ऐसा हो जिसका मतलब चेन बेस मेथड में लास्ट ईयर को होना जरूरी है, अगर हमें 2008 का चेन बेस के जरिए इंडेक्स नंबर मालूम करना है तो उसके लिए लास्ट ईयर जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं है तो यही क्या हो गया हमारा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लास्ट ईयर इज नॉट गिवन, इतना ही हमारा जवाब देना होगा। लेकिन व्हेन वी गो फॉर 2009
नाउ इट इज पॉसिबल 2009 क्या है पॉसिबल है ठीक है जी तो 2009 का फॉर्मूला फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा अगर मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूं इसमें डिफरेंस क्या है ओ की जगह पर यहां पर आता है एन माइनस वन ठीक है जी ओ की जगह पर यहां पर एन माइनस वन आता है और फॉर्मूले में भी जाहिर है किसी तरह का चेंज आएगा जहां पर ओ है वहां पर एन माइनस वन आ जाएगा ओ जहां पर था वहां पर एन माइनस वन आएगा ठीक है अच्छा एन माइनस वन मतलब करंट ईयर में से एक साल पीछे चले जाओ एन माइनस वन का मतलब यह है करंट ईयर में से एक साल पीछे चले जाओ ठीक है अब देखें अब इसको सॉल्व करते हैं पी अब क्या लिखेंगे एन माइनस वन मतलब 2009 की बात करेंगे 9 से पिछला 8 और अगला तो है ही 2009 ठीक है जी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 130 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100 अगले लाइन में सॉल्व कर देंगे इसको 130 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100 चलें जी दिस इज द आंसर ये है चेन बेस मेथड के जरिए आंसर अब अगर गौर करें तो ये आंसर तो फिक्स बेस मेथड में भी यही आया होगा देखें ये देखें इसका भी आंसर और इसका भी आंसर सेम है लेकिन 2010 में ऐसा नहीं होगा आइए आपको दिखाते हैं लास्ट ईयर 2010 में 2009 हो गया 2010 इक्वल टू ठीक है जी अब पी एन फॉर 2010 के अंदर जो था वो 140 था डिवाइडेड बाय 2009 में 130 था इनटू 100 ठीक है जी इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100 सो द आंसर इज 107 0.6923 अब अगर हम वहां देखें वहां जवाब क्या आया था तो वहां पे 116 आया था यहाँ पे 107 आया देखें सी डिफरेंस आ गया इसी तरह हम करेंगे फॉर 2011 पी एन माइनस वन की वैल्यू क्या है एन माइनस वन 2010 हो जाएगा और नया 2011 हो जाएगा इक्वल टू तो 150 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 अब देखें काफी हद तक करीब करीब है लेकिन बावल स्टिल देयर इज अ डिफरेंस 11 जो है 107.1429 आया है जबकि 10 आया था 107.69 अराउंड 0.5 का स्टिल देयर इज अ डिफरेंस एंड द लास्ट ईयर 2012 करेंगे अगर ये भी समझ में आ गया है आपके तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दें चैट में जवाब दे दें आसान है ना ये भी बताइएगा आसान है या नहीं ये भी अच्छा जी अगेन पी कॉमा 2012 तो लास्ट ईयर 11 हो गया 2012 इक्वल का निशान अच्छा 2012 में वैल्यू थी 160 लेकिन उसको डिवाइड करेंगे 150 से मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 100 से इक्वल लगाएंगे 160 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 द आंसर इज 106.1
6667%. This is the answer for 2012. अब दोनों के आंसर 11 के और 12 के आपके सामने मौजूद हैं, आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज आपका टॉपिक आपके समझ में आ गया है। दो बच्चों ने रिप्लाई भी कर दिया, आइए इनके रिप्लाई भी पढ़ लेते हैं। जी सर आ गया है, यस सर, सिद्रा और शहर बानो ने रिप्लाई किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात फिजिकली होगी। मेरा अगले हफ्ते फिजिकल क्लास, एक लंबी क्लास लूंगा आप लोगों की इंशाल्लाह, उम्मीद है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक आध हफ्ते में बुला सकते हैं, ऐसा है, कहीं और भी हो रही है मेरी क्लास, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी भी क्लास हम लेंगे, ठीक है। अच्छा फिलहाल इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 5 ईयर से, कल सेक्शन ए शुरू करेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।